So, आज का दिन एक बहुत सुबह सुबह उठ गए एक तो पहली बार हम हाँ, और हमारी शक्लें बिल्कुल सूजी हुई है और बिल्कुल नींद में है, आगे खुल भी नहीं रही। तो 8 बजे उठ गए थे हम, 9 बज रहे हैं और आधा घंटा हो गया है हमें घर से निकले हुए। और आज जो है वो है आशीष जो हमारा फ्रेंड है, उसके लिए कुछ स्पेशल है आज। आपने टाइटल पढ़ के तो आप समझ गए क्या हो रहा है आज। तो हम जा रहे हैं उसके घर, थोड़ा सा उसकी पैकिंग में हेल्प करेंगे। ये भी एक स्पेशल चीज पे लगा के हम उसको गिफ्ट करेंगे अभी। तो बस हम रास्ते में उसके घर पहुंचेंगे, थोड़ी सी पैकिंग में हेल्प कराएंगे फटाफट, क्योंकि वो ढीला इतना है। कहीं जाना हो हमें उसका वेट करते रहो। अगर 4 बजे पहुंचना है ना हमें कहीं पे, तो वो 6 बजे घर से निकलेगा, मैसेज करोगे बोलेगा हमें निकल गया ठीक है, घर पे नहा रहा होगा और घर पे नहा रहा होगा हमेशा का ही है। फिर मुझे उसकी बहन को कॉल करना पड़ता है कि दीदी ये निकला है नहीं निकला, फिर वो मुझे सच बताते हैं कि नहीं रचा ये नहा रहा है, हमेशा का ये होता है। तो आज कल रिचा उसको यही कह रही थी फोन पे कि आशीष फ्लाइट वालों के पास तेरी बहन का नंबर नहीं है, वो फोन करके नहीं पूछेंगे कि भाई तू कहाँ है आ जा। तो बस फटाफट जा रहे हैं उसकी हेल्प करेंगे पैकिंग में, फिर उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करके जाएंगे घर वालों के साथ सबके साथ। सो लेट्स गो। हाँ भाई क्या हाल है, हम जा रहे हैं। हम से तू जा रहा है? मैं जा रहा, सॉरी मैं जा रहा हूँ, भाभी मैं जा रहा हूँ, जल्दी जा रहे हैं और आएंगे बहुत जल्दी। नहीं वापस बहुत जल्दी नहीं, बहुत जल्दी बहुत आराम से बहुत जल्दी कोई जल्दी नहीं गाइस, बहुत जल्दी नहीं आऊंगा मैं, तैयार होने जा रहा हूँ। उसके बाद अब कितना तैयार होना है, नहीं तो अभी अच्छा अभी एयरपोर्ट लुक आशीष जाके नहा ले, एक घंटा रह गया तेरे पास। क्या लेके जा रहा है फिर तू? मैं कुछ लेके जा रहा हूँ, नहा ले जाके लेट जा रहा हूँ, जल्दी जा मास्क आशीष फटाफट, तू नहीं पहन रहा आज, दिखा कौन सा है, दो छोटे छोटे दो लगे भाई देखो तेरे को निकाल देंगे फिर एयरपोर्ट से फटाफट छोटे छोटे, वीजा कैंसिल हो जाएगा, इतने छोटे की टांगे घुसी हुई है पागल है आला कैसा है बढ़िया, अभी तो मेरी कुछ कर रही थी बच्ची आशी नहा रहा, हाँ नहा रहा हूँ, अबे नहा ले, नहा रहा हूँ भाई नहा रहा हूँ, कपड़े तो उतार, दो मिनट कपड़ों के साथ कौन नहाता है, है? कपड़ों के साथ कौन नहाता है, अभी उतार रहा हूँ उतार के फिर आई हूँ ठीक है देख ना हम आशीष तो जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है इसके लिए, हम तो ले ले ये तोहफा है तेरे लिए, तोहफा तोहफा तोहफा, थैंक यू गाइस थैंक यू, गिफ्ट आया है, गैस तो कर क्या है, गैस में कर चुका हूँ ऑलरेडी, क्या है मग्गा ये तेरे कहीं रोप पे जेट नहीं होता, बहुत कम जगह पे होता है जेट, तो इसको इसी से काम चलाना पड़ेगा, वहां पे धोई कर लियो, तू रोज सुबह खेतों में जाइयो ना मग्गा लेके और बाल्टी लेके, मैं धोनी नहाना भी है, नहा भी लियो, कहीं लग गई अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है मुझसे इसको डाल ले बैग में, इसको इसमें डालो बैग खोल लगेज वाला, उसमें कपड़े इसमें डाल ले। चल आशीष तेरी ऐश है भाई, गिफ्ट ही गिफ्ट मिली जा रहे हैं तेरे को। ये तो कब पढ़ दिए, तो 3-4 दिन से पड़े हुए थे घर में तो कल
रेड कौन लेके जाता है ये कितने दिन चलाएगा उजाला चार बूंद वाला हैप्पी फेयरवेल आशीष ओ लगा टाइमिंग देखो भाई बेल की टाइमिंग देखो आपके बाल बड़े काले हैं और बहुत अच्छे हैं हाँ बड़े सुंदर बाल हैं आपके सुंदर काले मेरे बाल वैस मॉल ने किया कमाल पाइट क्या जब घंटी बजती है सब हमारी बिट्टू आ गया बिट्टू चलो केक काटो बिट्टू आ गया चलिए आ जा मुस्कान की मम्मी कोई नहीं चल 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 कांग्रेचुलेशन ये तैयार हो गया झोली फैला के खड़े हैं ये ढोल वाला मंगा लिया हमने तो हम लोग निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए और आप एज यूजुअल देख सकते हो मटियाला में हम मेरी वजह से कोई लेट नहीं है मेरी विदाई की वजह से लेट हुए हैं चॉकलेट उछाल रहे हैं आप देख ही चुके हो पीछे सब कुछ तो सब कुछ वो चल रहा है और मटियाला हम मटियाला गांव में पहुंच चुके हैं एंड अब जो भी है देखेंगे बैग नपवाने थे धर्म कांटे से वो नपवा नहीं पाए अब देखो क्या होता है ये मेरी बहन है आ गया अगर वेरी ब्यूटीफुल डीएम फॉर रिश्ता डीएम आशीष बबेजा वन नमेश गंभीर और ऋचा वर्मा आपने देख ही लिया चाय इतनी बढ़िया बनाती है ढोल इतना बढ़िया नाम हम बताएंगे नहीं जब पहले आप कॉन्टेक्ट करो अपना पत्री क्या है कुंडली वंडली भेजो मिलवाएंगे तब हम बात करेंगे इस बारे में कोई जम्प ही नहीं करी मेरा भाई भी मेरे साथ बताओ छोटे भाई मुझे दुश्मन ही है पर हमने करी नहीं ना इसी में जाएगा तू आशीष साझा चलान भी कट रहा है सर कोई बता दे हमारा चैनल कुछ चलान कट रहा है नहीं देखो ये आ गया पता नहीं कितने कट रहे कितने वाला चलान कट गया और ये सारे के सारे अपने फोन कैमरास लेके खड़े हो गए हां जी हमारी नहीं लेट है हमारी ऑलरेडी हो गई यार हमारा चलान कट गया फालतू का नवेश गाइस हम जा रहे हैं और जाते जाते पता नहीं हमारे को पुलिस वालों ने रोक लिया और मैं फंस गया हूँ यहाँ पे ये दोनों बैठी हुई हैं मुझे से नमेश वो खड़ा हुआ हम मैं दे रहा हूँ वो बेचारा यहाँ पे मेरा चलान भर रहा है क्योंकि हम लोगों ने गलती से अब पता नहीं वो बोल रहे हैं गलती से हमने ना वो कर दी है रेड लाइट गाइस
पता नहीं हमारे को झूठा इल्जाम लगाया, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने हमारा चालान काट दिया भाई। वो कह रहा है साइन करके, कह रहा है कोई डोडापुर जाके क्लासेस ले रही है, बड़ी क्लासेस में बात कर रहा है। ये कौन सी क्लासेस में है? डोडा है, टोडा होता है पता नहीं क्या। डोडापुर, डोडा तो बर्फी होती है। अब डोडापुर जाके हम क्लासेस लेगा नमेश, क्योंकि नमेश ने चालान कटवाया। नमेश हर जगह चालान कटवाता है, हिमाचल देखिए रेड लाइट ठीक है, हिमाचल में भी नमेश ने बहुत चालान कटवाया। 100 रुपए के और बेल्ट पहनी हुई थी। हाँ वो तो शुक्र है बच गए अब हम, लेकिन ऑल सेट। चूरन का वो बच गया अलार्म। ये ना चूरन खाता दिन में 5-5 बार, इसका अलार्म बजता रहता चूरन का। तो अब सारे वो अलार्म बजता चूरन नंबर 1, चूरन नंबर 2। चुप। अरे बाबा सीर है तुम्हें। भगवान। उसको वो ऐसे करना, कोना वाला, कोने वाला मार, तुमसे ना हो पाएगा रे बबुआ। दो टूक शब्दों में बोल देता हूँ, तेरे से ना हो पाएगा। यार ढोली रखवा रही है, बताओ सबको पता लगना चाहिए भाई, पंजाबियों का मुंडा जा रहा है बाहर, इज्जत रख ली साड़ी, वापसी ना आ रही। उसके दर्द हो जाएगा छाती में। बाय चले। ढोल बजाया मैंने, पैसे इनको दे गया भाई, ये मजे है तुम्हारे। सही है सही है, चलो पटाट पार्किंग में जाएंगे। ढोल को वापस दे रहा है, ले लेना, रख ले। मैं तो बड़ा, मैंने तू ही मना कर दी है। तू गली में बजाएगा। रात को 4 बजे सारे पड़ोसी बाहर आ जाएंगे। मैं समझदार तो नहीं बट रह लेगा वो। तो हम जा रहे हैं अब अपने घर। ये सगन के लिए चारू नहीं लेना, फटाफट सो फाइनली वी आर ऑन द वे होम। अब घर जा रहे हैं, अंकल आंटी और दीदी भैया को बाय कर दिया है, वो लोग भी घर चले गए, ढोल वापसी दे दिया है। मजा आ गया, मजा आ गया भाई। मस्त गाना, गागा नाना, गागा नाना, वो बीट होती है मतलब ढोल की। हाँ। उससे सिखाया मुझे, सही था, नाइस एक्सपीरियंस। हाँ। और आशीष बाहर चला गया है, सही है यार, तरक्की करो, कमाओ, मेक योर पेरेंट्स प्राउड। तो ठीक है, आंटी के लिए थोड़ा टफ था, आंटी अंकल के लिए, बट ठीक होता ही है यार, पेरेंट्स के लिए बच्चे। वैसे आशीष वैसे बहुत पैम्पर्ड किट है, किट नहीं किट किट है वैसे वो, पैम्पर्ड किट है, किड किड आशीष। हाँ, मतलब तो उसको हर चीज उसकी मम्मा देती है, पता नहीं वो वहां जाके क्या करेगा। मम्मी तेल लगा दो सिर पे, भाई लेसेस बांध दे, पता नहीं वहां जाके ये करेगा। मुझे डर लग रहा है कहीं उसको निकाल ना दे ऑफिस से, भाई आप जाओ यहाँ से।
या जो भी है, देखो बाहर जाके अकेले रहने में स्ट्रगल तो बहुत है। तो लगता है कि यार ठीक है बंदा बाहर गया, वाओ सो नाइस, बट बहुत स्ट्रगल है यार। अपने कपड़े खुद धोना, खाना खुद बनाना, हर चीज खुद मैनेज करना, उठना भी खुद, कोई उठाने वाला नहीं है, अलार्म के भरोसे ही रहना। बट ठीक है कोई बात नहीं, बंदा सीख जाता है टाइम के साथ। सो अभी हमने कुलचे छोले पैक करा लिए हैं और मैं रायता पी रहा हूँ, रायता बढ़िया है। तो अब हम इस वीडियो को करते हैं एंड, अब हम जा रहे हैं अपने घर, आशीष को भेज दिया है हमने और अब सब कुछ सॉर्टेड। अब आप देख, तो वी होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और अभी दुबई के सॉरी दुबई के दो या तीन ब्लॉग्स और बचे हैं, वो देख लेना यार, व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, बनाया हमने तो देख लेना। तो फिर हमारा बंद नहीं करता, तभी तो 40-30 दिन होने वाले, महीना होने वाले, एक भी ब्लॉग नहीं आया। पहले अच्छी रीच आ रही थी, 3-4 हजार व्यूज आ रहे थे, एकदम से 500 पे। भाई क्या कर रहे हो यार, देख लिया करो व्लॉग्स यार, और लाइक कमेंट भी कर दिया करो। कितनी बार बोलूं मैं यार, ठीक है ये व्लॉग शायद आपको अच्छा लगा। हाँ, फुल एंटरटेनिंग है ये व्लॉग, मजा आया होगा आप लोगों को देख के। ठीक है अब ये कमेंट करके बताना आपको दीदी का ढोल अच्छा लगा ज्यादा है मेरा। ऑब्वियसली दीदी का, मेरा। अबे भाई मेरे फैंस मेरे को सपोर्ट करेंगे, नहीं करोगे तो मैं फिर देखना, फिर वॉर है, फिर वॉर। सो करते हैं इस वीडियो को एंड, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। We'll be right back.